हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ उत्कल एग्जाम वॉरियर्स में। इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा पुलिस SI की नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताएंगे और बहुत ही जल्दी हम अपनी चैनल पे वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें उड़ीसा पुलिस SI के एग्ज़ाम में आने वाले हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो शुरू करते हैं। उड़ीसा पुलिस SI की नोटिफिकेशन 12 जून को रिलीज़ हो गई है जिसमें 477 पोस्ट निकले हुए हैं। नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एज लिमिट, द कैंडिडेट शैल नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज। एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर इन व्हिच ओपन एडवर्टाइजमेंट इज पब्लिश इन्वाइटिंग द एप्लीकेशन। यानी कि आपका 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए और 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 21 से 25 ईयर्स के एज ग्रुप में हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द SC ST SC BC कैंडिडेट्स। अगर आप SC ST या फिर SC BC कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की एज की रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रही है। फॉर एक्स सर्विसमैन द रिलैक्सेशन सेल बी फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन द आर्म फोर्स। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको जितने साल आपने डिफेंस सेक्टर में काम किया है उतने साल की एज की रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, A candidate must be a graduate in any discipline from any recognized university. आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। बी ऑफ ए गुड मॉरल एंड कैरेक्टर, ही शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस। आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बी ऑफ साउंड हेल्थ एंड फिजिक, ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक डिफेक्ट और बॉडी इन्फर्मिटी। आपकी हेल्थ साउंड होनी चाहिए यानी कि आप हेल्दी होने चाहिए। नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, आपका एक से ज़्यादा लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट उड़िया, आपको उड़िया लैंग्वेज बोलना लिखना और पढ़ना आना चाहिए। हैव पास्ड उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट और पास द रिटन टेस्ट इन उड़िया इन ME स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। अगर आपने उड़िया लैंग्वेज को ME लेवल तक पढ़ा हो और आपके पास उसकी सर्टिफिकेट हो, पास सर्टिफिकेट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई HSC का एग्ज़ाम दिया है, HSC लेवल का एग्ज़ाम दिया है जिसमें आपके सब्जेक्ट जो नॉन उड़िया सब्जेक्ट होते हैं उसका एग्ज़ाम का मीडियम उड़िया लैंग्वेज है और आपके पास सर्टिफिकेट पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप ऐसे स्कूल से बिलोंग करते हो जहाँ पे उड़िया सब्जेक्ट आपने कभी पढ़ा नहीं था तो भी अगर आपने BSc उड़िया जो कंडक्ट करती है, या फिर आप ऐसे स्कूल से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपने कभी उड़िया लैंग्वेज एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो तो फिर आप BSc उड़ीसा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उड़िया लैंग्वेज के लिए, अगर वो एग्ज़ाम आपने दिया है, आपके पास पास सर्टिफिकेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका देखते हैं रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा। आपकी रिटन एग्जामिनेशन 2 पेपर में होगी, 2 सीटिंग में होगा। आपके पेपर 1 में आएगा जनरल इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर 1 में जो कि 100 मार्क का होगा और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। पेपर 2 में आपकी जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन आने वाली है जो कि 200 मार्क्स का होगा और आपको इसके लिए 180 मिनट्स मिलेंगे। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। फिर आपका नेगेटिव मार्किंग देखते हैं। 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क यहाँ पे कटेगा। फिर आपका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आपकी जनरल इंग्लिश से आने वाला है, कंप्रेहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज यूजेस एंड वोकैबुलरी क्वेश्चंस टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ ग्रामर। उड़िया लैंग्वेज से कंप्रेहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज यूजेस एंड वोकैबुलरी ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया। जनरल स्टडीज से
आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम्स एंड इंडियन नेशनल मोमेंट से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट एंड एरिथमेटिक ऑफ HSC स्टैंडर्ड, ये आपका HSC स्टैंडर्ड से आने वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट एंड एरिथमेटिक। ओके, फिर आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी से भी क्वेश्चन आ रहा है। फिर देखते हैं, ओनली 3 times द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज पर द वैकेंसीज क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट वुड बी कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड बी अलाउड टू अपियर इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि टोटल आपके 477 पोस्ट हैं, तो उसका 3 times जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे रिटन एग्जाम में, 477 पोस्ट का 3 times यानी कि 1431 स्टूडेंट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा। ओके, देन हम देखेंगे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग। तो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग नेचर की है और इसमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, फिर आप इस टेबल से देख लीजिएगा आप एप्लीकेबल हो या नहीं। ओके, पहले आपका कैटेगरी है, फिर हाइट है, वेट है, अनएक्सपांडेड चेस्ट है, देन आपका एक्सपांडेड चेस्ट है। ओके, जनरल एंड SC BC मैन, जनरल और SC BC लोग मैन के लिए 168 cm आपकी हाइट होनी चाहिए या फिर 168 cm से ज़्यादा होना चाहिए, आपका वेट 55 kg होना चाहिए या फिर 55 से ज़्यादा, अनएक्सपांडेड चेस्ट आपकी 79 होनी चाहिए, 79 cm, और एक्सपांडेड चेस्ट आपका 84 cm होना चाहिए। देन आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है ये देख लेते हैं। फॉर मैन ऑफ ऑल कैटेगरी, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर कवर करना है 8 मिनट में। 8 मिनट आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको 1.6 किलोमीटर कवर करनी होगी। और आपको लॉन्ग जंप कितने का दिया जा रहा है यहाँ पे, 3.66 मीटर की लॉन्ग जंप होगी और इसके लिए आपको 3 attempt यानी कि 3 chance मिलेंगे। विमेन लोगों के लिए देख लेते हैं, विमेन का चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर होनी चाहिए 10 मिनट में, आपको 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर कवर करना होगा। लॉन्ग जंप आपकी 2.77 मीटर होनी चाहिए 3 attempts में, 3 chance आपको मिलने वाले हैं जिसमें आपको 2.77 मीटर कवर करना रहेगा, सॉरी कवर नहीं, लॉन्ग जंप आपको 2.77 मीटर की करनी होगी। फेलियर इन कंप्लीटिंग द फिजिकल एफिशिएंसी इन द प्रिस्क्राइब टाइम और अटेम्प्ट शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। आपको आपके सिलेक्शन के लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करना ही है। तो यहाँ पे आपको बस रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना रहेगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करनी पड़ेगी। आपके लिए ना तो कोई इंटरव्यू है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि बस रिटन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी, बस रिटन का ही आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये आपकी ये किसी काम आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।